दिस इज योगिता, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वशिष्ठ व्लॉग्स। तो गाइस, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ एक 287 स्क्वायर यार्ड का इंडिपेंडेंट विला, जो कि काफ़ी प्राइम लोकेशन पे रहेगी हमारी सेक्टर 125 सनी एनक्लेव मोहाली में। सो इसकी जो कनेक्टिविटीज़ रहेंगी गाइस, पर्टिकुलरली टू दिस विला, आपकी नियर रहेंगे गुरुद्वारा, टेम्पल, आपकी जो डेली बेसिस की नीड्स की मार्केट रहेगी वो भी कुछ ही मिनटों में रहेगी। इसके अलावा जो 200 फीट वाइड एयरपोर्ट रोड रहेगी वो भी कुछ मिनटों में रहने वाली है। तो काफ़ी प्राइम और बेस्ट लोकेशन रहेगी आपके इंडिपेंडेंट विला की। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसके एलिवेशन के बारे में। तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो है इसको एलिवेट किया गया है, काफ़ी प्राइम मैं अगर कहूँगी इसकी लुक जो है आ रही है, काफ़ी डिफरेंट कंसेप्ट जो है इसका यूज़ किया हुआ है। आपके दो गेट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस रहेगा आपके घर के अंदर का। तो आइए चलते हैं घर के अंदर। सो फ्रेंड्स, जैसे हम अपने घर के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा पार्किंग एरिया। तो आपकी जो गाड़ी की एंट्री एंड एग्जिट रहेगी वो आपकी मेन डोर से रहेगी, तो एक गाड़ी आराम से आप यहाँ पे जो है पार्क कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप अगर ये वॉल पे ग्रिलिंग देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे ग्रिलिंग करके रखी हुई है ताकि आपकी प्रॉपरली सेफ्टी जो है मेंटेन रहे। इसके अलावा और भी आप एक दो गाड़ी जो है अपने घर के अंदर पार्क कर सकते हैं। तो बिल्कुल सामने आप एक पार्किंग एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपकी गाड़ी आराम से पार्क हो जाएगी। तो यानी इंटरनली गाइस, टू बिग गाड़ीज की अगर बात करूँ, दो बड़ी गाड़ी आराम से यहाँ पे जो है पार्क हो जाएंगी। इसके अलावा आपकी विला के बिल्कुल सामने भी आप दो से तीन गाड़ी जो है पार्क कर सकते हैं, तो आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा पार्किंग स्पेस जो है वो मिल रहा है आपको। एंड अगर ये टैप्स देखें आप, तो प्रॉपरली हम आपको वॉशिंग का प्रोविजन दे रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा स्पेस है तो कंफर्टेबली जो है आप यहाँ पे वॉशिंग कर सकते हैं। तो गाइस, जो इसका एलिवेशन रहेगा घर का वो काफ़ी सिंपल था और डिफरेंट था। टफन ग्लास का यहाँ पे प्रॉपरली यूज़ किया गया है। एंड मेन घर जाने से पहले आप स्टेयरकेस देख सकते हैं, प्रॉपरली यहाँ पे यूज़ हुए हैं। ड्यूअल डोर आपको यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें से एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन मैश डोर आ जाएगा। काफ़ी अच्छे हैंडल्स यहाँ पे जो है यूज़ हुए हैं डोर पे। इसके अलावा गाइस, सेकेंडरी आपका वुडन डोर रहेगा काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ। तो आइए चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, जैसे हम अपने घर के अंदर एंटर करते हैं तो मेरे राइट हैंड साइड पे जो आपकी डोर देख रहे हैं, ये आपकी पाउडर रूम का डोर रहेगा। तो सबसे बेस्ट पर्पस इसका यही रहता है कि अगर आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आपकी प्राइवेसी फुली मेंटेन रहे। तो एंट्रेंस पे देने का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि प्रॉपरली आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। एंड एंट्रेंस लॉबी की अगर आप सीलिंग देखेंगे तो काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन प्लस लाइट यूज़ करके काफ़ी अच्छी इसकी लुक्स आ रही है। सो गाइस, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का डोर आप देख रहे हैं, ये हमारे ड्रॉइंग एरिया का डोर रहेगा। सो दिस इज़ अवर ड्रॉइंग एरिया। अगेन, ये भी आपको एंट्रेंस पे मिल रहा है, प्रॉपरली डोर हमने इसका डेडिकेट किया हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर आप गेस्ट एंटरटेन करते हैं, फुली प्राइवेसी आपकी फुल हाउस की मेंटेन रहने वाली है। सबसे पहला प्लस पॉइंट इसका ये रहेगा। एंड देन हमारा स्पेस, जो कि काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ आपको आपका ड्राइंग रूम जो है यहाँ पे मिल रहा है, आराम से 8-10 सीटर सोफा सेट इंक्लूडिंग हमारा सेंट्रल टेबल आप आराम से यहाँ प्लेस कर सकते हैं। देन एक बहुत बड़ी विंडो आप देख रहे होंगे, जस्ट फॉर सनलाइट प्लस वेंटिलेशन के लिए आपको ये प्रॉपरली प्रोवाइड की गई है। एंड जो गाइज, एक बार सीलिंग का अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो डाउन सीलिंग के साथ प्लस लाइट्स आपको जो है आपके सीलिंग के डिज़ाइन में भी मिल रही है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्पेस एंड साइज रहेगा आपके रूम का। एंड जो मेरी बिल्कुल सामने वाली वॉल, पीवीसी शीट्स का जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है। सो अगर गाइज आप चाहते हैं तो इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं थ्रू योर वॉल पेपर्स या फिर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स का यहाँ पे यूज़ करके। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसी रूम को आप एज ए ड्राइंग रूम भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फैमिली लॉन्च की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एज पर योर चॉइस। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने आ चुके हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। प्रॉपरली आप ये जो स्पेस देख रहे हैं आपके डाइनिंग एरिया के लिए प्रोवाइड किया गया है। काफ़ी अच्छा स्पेस जो है आपको डाइनिंग एरिया में यहाँ पे जो है मिल जाएगा। एंड बिल्कुल इसी के सामने काफ़ी खूबसूरत जो है वुडन वर्क के साथ यहाँ पे LED पैनल हमने तैयार किया हुआ है। इसमें डिफरेंट सेक्शंस भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप जो है डेकोरेटिव आइटम्स जो है स्टोर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा नीचे भी आपको काफ़ी स्टोरेज के कैबिनेट्स यहाँ पे जो है मिल रहे हैं, तो कुछ भी आपका छोटा मोटा सामान जो होगा वो आप इंटरनली स्टोर कर सकते हैं।
एंड अपनी फैमिली के साथ जो है फूड को इंजॉय करते करते अपनी फेवरेट चैनल्स भी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। देन ये हमारा जो एरिया रहेगा गाइस, इसमें काफ़ी खूबसूरतली ये डिज़ाइन किया गया है। ये हमारा रहेगा पूजा रूम का स्पेस, काफ़ी अच्छे तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है, एक परफेक्ट साइज रहेगा। एंड हर घर की एक डिमांड रहती रहती है कि उनके घर में पूजा रूम जरूर रहे। सो इसके अलावा आप ये जो वॉल देख रहे हैं, ये जो कैबिनेट्स देख रहे हैं एक्चुअली, तो स्पेस आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है। तो एक्स्ट्रा सामान जो भी आपका होगा आप प्रॉपरली यहाँ पे इंटरनली स्टोर करेंगे, तो काफ़ी अच्छा स्पेस रहेगा आपके इन कैबिनेट्स का। सारे के सारे गाइस कैबिनेट्स सॉफ्ट क्लोजर के साथ रहेंगे। देन एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा आप यहाँ पे भी स्पेस देख सकते हैं, कितनी अच्छी स्पेस यहाँ पे आपको मिल रही है। तो आप इस वॉल को चाहें तो एज पर योर चॉइस इसे डेकोरेट कर सकते हैं थ्रू ग्लास, मिरर या कुछ भी किसी भी तरीके से। देन आ जाती है हमारी सबसे मेन पार्ट ऑफ द हाउस जो कि हमारी किचन रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छा स्पेस जो है आपको इस किचन का मिल रहा है। अब तक अगर मैं बात करूं पूरे सनी एनक्लेव की, हमारे इस एरिया की, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस फुली मॉडलर किचन आपको इस विला के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें आपके पास गाइस काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट्स रहेंगे। अगेन सॉफ्ट क्लोजर के साथ कैबिनेट्स काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं अगर बोलूँगी कि जो आपको नंबर ऑफ जो आपके कैबिनेट्स रहेंगे पूरी किचन में वो काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं, ताकि आपको कोई भी स्टोरेज की प्रॉब्लम ना आए गाइस। काफ़ी अच्छा साइज भी रहेगा कि आपके जितने भी यूटेंसिल्स हैं या आपके जो बॉक्सेस रहेंगे आपके किचन के, वो सब के सब इंटरनली स्टोर रहेंगे। काफ़ी अच्छा, मैं दोबारा यही कहूँगी कि स्पेस एंड जो नंबर ऑफ कैबिनेट्स रहेंगे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्रॉपरली चिमनी आप देख सकते हैं, काफ़ी हाई क्लास ब्रांड्स लीक की चिमनी जो है आपको यहाँ पे मिलने वाली है इसी किचन के अंदर। ड्यूल सिंक रहेगी आपकी, एक काफ़ी अच्छा स्पेस जहाँ पे आप, जो स्पेशली गाइस जिनको किचन का खाने बनाने का शौक़ है, उन लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छी किचन रहने वाली है। इसी के साथ आप लोगों के पास और भी यहाँ पे सेक्शंस रहेंगे जहाँ पे अगर आप चाहें तो अपनी क्रोकरी को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट्स है माइक्रोवेव जो आपको इंटरनली स्टोर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्पेस रहेगी। एंड एक बार अगर आप सीलिंग का डिज़ाइन देखेंगे किचन का, तो वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, प्लस लाइट्स यूज़ करके, तो काफ़ी अच्छी चीज़ जो है आपको किचन में मिल रही है। देन ये स्पेस आ जाएगा आपकी रेफ्रिजरेटर का स्पेस गाइस, तो काफ़ी अच्छा। अगेन बार बार मैं स्पेस इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी स्पेशियस। तो अगर आप चाहें तो ब्रेकफास्ट टेबल के लिए भी यहाँ पे एक स्पेस है आपको, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देन विंडो आपको दी गई है आपकी किचन के अंदर, ताकि सनलाइट प्रॉपरली आपको यहाँ पे मिलती रहे। एंड ये डोर जो रहेगा आपके बैकयार्ड का एक्सेस रहने वाला है यहाँ से। सो गाइस, ये आपका बैकयार्ड रहेगा जिसका एक्सेस आपकी किचन से है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस आप यहाँ देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छी स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है। टैप्स ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, तो वॉशिंग एरिया के लिए तो ऑब्वियसली आपका एक स्पेस हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे। एंड अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे इस एरिया में आपको पता चल रहा है कि आपकी हर जगह ग्रिलिंग ऑलरेडी यहाँ पे की हुई है, फॉर द पॉइंट ऑफ द सेफ्टी पर्पस के लिए प्रॉपरली हर जगह ऊपर एंड साइड्स में भी आप देखेंगे तो फुली ग्रिलिंग की गई है। एंड यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा टाइल वर्क जो है गाइस यूज़ हुआ है, तो जिससे भी काफ़ी अच्छा जो है ये यहाँ की लुक आ रही है। देन ये जो डोर आप देख रहे हैं, ये आपका स्टोर रूम का डोर रहेगा बिकॉज काफ़ी सामान यहाँ पे जो है रखा हुआ है, तो प्रॉपरली काफ़ी अच्छा स्पेस जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज़ डेडिकेटेड टू योर प्रॉपरली स्टोर रूम। देन अब हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। सो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में गाइस। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो ये आपका मेन डोर आपको मिलने वाला है आपके फर्स्ट बेडरूम का, तो आइए चलते हैं अंदर। सो गाइस, ये रहेगा हमारा फर्स्ट बेडरूम, जो कि सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्पेस के बारे में। सो काफ़ी अच्छा स्पेस के साथ गाइस आपको ये जो है बेडरूम मिल रहा है। तो पर्टिकुलरली गाइस जो आप ये स्पेस देख रहे हैं, ये सिर्फ आपके बेड का ही स्पेस रहने वाला है। देन
आप ये विंडो देखिए, प्रॉपरली सनलाइट के लिए हमने इस रूम में भी आपको जो है विंडो प्रोवाइड की हुई है। देन गाइस, बिल्कुल बेड के अपोजिट वॉल आ जाती है हमारी एलईडी पैनल की। काफ़ी खूबसूरत जो है ये डिज़ाइन किया हुआ है एलईडी पैनल, इसमें बड़ी से बड़ी एलईडी स्क्रीन आप यहाँ प्लेस्ड कर सकते हैं। नीचे स्टोरेज के भी यहाँ पे कैबिनेट्स मिले हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा एलईडी पैनल जो है यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। प्लस अगर आप सीलिंग को भी एक बार ध्यान देंगे तो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन, प्लस जो लाइट्स यूज़ की हैं जो कि काफ़ी ग्रेसफुल रहेंगी, काफ़ी अच्छी आपकी रूम की लुक को दे रही है। देन हमारा एक सेक्शन आ जाएगा अलग से, जो कि आपके ड्रेसिंग एरिया रहेगा, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ कैबिनेट्स भी दिए हुए हैं ताकि सामान आप स्टोर कर सकें। एंड इसके साथ मेरे दोनों तरफ आप देखेंगे यहाँ पे आपको वार्डरोब्स मिल रही हैं। वॉल टू वॉल आपकी वार्डरोब्स रहेंगी, जहाँ पे आप अपना क्लोथ्स को इंटरनली स्टोर कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी स्पेशियस गाइस। सो ये डोर आपके वॉशरूम का रहेगा, जो कि अटैच्ड आपको रूम के साथ मिल रहा है। काफ़ी अच्छा स्पेस रहेगा आपके वॉशरूम का। सेंट्री फिटिंग्स जितनी भी आपको यहाँ पे मिलेंगी वो सारी ब्रांडेड फिटिंग्स मिलेंगी। सो गाइस, ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। बिल्कुल इसी के अपोजिट आ जाएगा हमारा सेकेंड बेडरूम विद द सेम डोर, वुडन डोर के साथ आपको ये भी डोर मिलेगा। सो गाइस, ये रहेगा आपका सेकेंड बेडरूम। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्पेस के बारे में। तो काफ़ी अच्छा स्पेस जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कंफर्टेबली आपका बेड यहाँ आराम से आ जाएगा। एंड इसके अलावा अगर आप रूम को डेकोरेट करने के लिए कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी यूज़ करना चाहते हैं, वो भी आप आराम से यहाँ पे असेंबल कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं हमारे एलईडी पैनल की। तो काफ़ी बड़ा जो आपको यहाँ पे एलईडी पैनल देखने को मिल रहा है इसी रूम के साथ एज इट इज़ जो है आपको मिलेगा। डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं ताकि आप डेकोरेटिव आइटम्स यूज़ कर सकें। नीचे ड्रॉअर्स आपको दे रहे हैं, कुछ छोटा मोटा सामान जो आप इंटरनली स्टोर कर सकते हैं। पर जो कलर थीम जो यूज़ किया है हमारे एलईडी पैनल में, वो काफ़ी अच्छा कलर थीम है। प्लस ये जो लाइट्स यहाँ पे यूज़ हुई हैं वो एलईडी पैनल की डिज़ाइन और लुक को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। देन अगर हम बात करते हैं हमारी सीलिंग के बारे में, तो वुड वर्क के साथ काफ़ी अच्छी जो है सीलिंग आपको यहाँ पे जो है मिल रही है। प्लस जो लाइट्स यूज़ हुई हैं आपके सीलिंग में, वो भी काफ़ी अच्छी लाइट्स है। देन विंडो जस्ट फॉर योर सनलाइट एंड वेंटिलेशन के लिए हम आपको हर रूम में प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज़ योर ड्रेसिंग एरिया लुक एंड मिरर के साथ। इंटरनली भी आप यहाँ पे जो है गाइस सामान स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेक्शंस मिल जाएंगे डिफरेंट, जहाँ पे आपकी स्टोरेज हो जाएगी। देन दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड तरफ कबर्स आ जाएंगी आपकी, जहाँ पे आप क्लोथ्स जो हैं अपने स्टोर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे भी आपको लाइट्स मिल रही हैं आपके सीलिंग में। देन गाइस, अटैच रहेगा आपका वॉशरूम। जितनी भी फिटिंग्स रहेंगी यहाँ पे भी सारी ब्रांडेड फिटिंग्स मिलने वाली हैं आपको। तो ये जो आप डोर एक्स्ट्रा डोर देख रहे हैं, तो ये आपका एक्सेस रहेगा आपके बैकयार्ड का, तो यहाँ से भी आप अपने बैकयार्ड के अंदर जो है जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर, जिसमें आपको टू बेडरूम्स, एक ह्यूज किचन, ड्राइंग डाइनिंग, पौधे रूम एंड एक पूजा रूम मिल रहा है। तो ये जो स्टेयरकेस आप देख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट फ्लोर का एक्सेस रहेगा। इसकी सबसे पहले मैं बात करती हूँ ग्रिलिंग की, जिसमें आपको जो है वुडन वर्क के साथ जो है यहाँ पे ग्रिलिंग मिलेगी, प्लस आयरन का भी यहाँ पे यूज़ हुआ है। एंड जो स्टेयरकेस के फ्लोरिंग की बात मैं करूँ, तो ग्रेनाइट मार्बल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। सो गाइस, जब हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे, तो सबसे पहले मेरे राइट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये प्रॉपरली आपका एज अ फैमिली लॉन्ज हमने जो है इसे डिज़ाइन किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा स्पेस जो है आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ जो है इंजॉय कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं। छोटी मोटी अगर आपने फैमिली के साथ मूवीज़ भी प्लान करनी है, तो आप वो भी आराम से आसानी से कंफर्टेबली यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये जो आप एलईडी पैनल देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा जो है एलईडी पैनल यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप भी काफ़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन यहाँ पे यूज़ करके अपनी फैमिली के साथ फेवरेट मूवीज़, फेवरेट सीरियल्स या फेवरेट कार्टून्स जो हैं इस रूम में जो हैं आप देख सकते हैं। जस्ट विद योर फैमिली आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। एंड एक बहुत ही डिफरेंट और एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन पूरी सीलिंग को कवर करते हुए, जिसमें वुड वर्क भी यूज़ हुआ है, काफ़ी अच्छी जो है इस रूम को लुक दे रहा है वो। देन प्रॉपरली विंडो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं गाइस,
ताकि सनलाइट आपको यहाँ पे मिलती रहे। एंड ये डोर आपकी जो है फ्रंट बालकनी का रहेगा, तो एक बार हम वहाँ पे विजिट कर लेते हैं। सो गाइस, ये आपकी फ्रंट बालकनी रहेगी आपके विला की, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज स्पेस आपको इस बालकनी में मिल रहा है। आराम से आप फैमिली के साथ यहाँ पे भी बैठ के जो है सनलाइट एंजॉय कर सकते हैं। प्रॉपर ग्रिलिंग जो है यहाँ पे की हुई है, आयरन की यहाँ पे जो है आपको प्रॉपर ग्रिलिंग मिलेगी, जिसमें वुडन शीट्स का भी जो है प्रॉपरली आपकी ग्रिलिंग में यूज़ हुआ है। पीवीसी पैनलिंग आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, जो कि आपके प्रॉपरली एलिवेशन में आ रही है लुक। पीवीसी पैनलिंग आपको यहाँ पे जो है प्रॉपर मिलेगी। देन टैप भी आपको यहाँ पे मिल रही है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे वॉशिंग भी यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपरली वॉशिंग एरिया रहेगा। सो इस फ्रंट बालकनी का एक्सेस आपके बेडरूम से भी रहेगा, तो यानी यहाँ पे आने की आपको ड्यूल कनेक्टिविटी रहेगी, आपका फैमिली लॉन्च प्लस आपका बेडरूम। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। सो अब हम चलते हैं गाइस अपने थर्ड बेडरूम में, तो एज इट इज डोर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड बेडरूम रहेगा। अगेन काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको ये रूम जो है मिल रहा है। एंड अगेन जो LED पैनल्स रहेंगे आपके पूरे घर के, वो काफ़ी जो है बेहतरीन डिज़ाइन से यहाँ पे बनाए गए हैं, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन रहेगा इन LED पैनल्स का। एंड जो सीलिंग को अगर आप देखेंगे, तो डाउन सीलिंग के साथ आपको यहाँ पे सीलिंग मिलेगी। हर रूम की एक डिफरेंट सीलिंग डिज़ाइन रहेगा, डिफरेंट लुक, डिफरेंट थीम के साथ डिज़ाइन किया गया है। एंड ड्रेसिंग एरिया आपका सेपरेट रहेगा आपके इस रूम के अंदर। प्रॉपरली हम आपको यहाँ पे मिरर दे रहे हैं, डिफरेंट सेक्शंस दे रहे हैं स्टोरेज के लिए। विंडो दी गई है इस रूम में भी आपको, ताकि सनलाइट मिलती रहे। एंड ये डोर आपकी फ्रंट बालकनी का एक्सेस रहेगा यहाँ पे। सो इधर आपको इन बिल्ट वार्डरोब्स मिलेंगी गाइस, जो स्लाइडिंग डोर आप देख रहे हैं। स्लाइडिंग डोर के साथ आपको प्रॉपरली यहाँ पे वार्डरोब्स मिलने वाली हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे रहेगा फॉर स्टोरेज। एंड देन आ जाएगा हमारा अटैच्ड वॉशरूम, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको मिल रहा है। प्रॉपरली बाथिंग एरिया जो है सेपरेट किया हुआ है यहाँ पे, गुड स्पेस रहेगा आपके वॉशरूम्स का। एंड जितनी भी सिग्नेचर फिटिंग्स रहेंगी, वो सारी ब्रांडेड फिटिंग्स है। सो गाइज, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ बेडरूम में, जो कि बिल्कुल अपोजिट रहेगा। अगेन सेम डोर आपको हर बेडरूम्स में यहाँ पे मिलेगा। सो गाइज, ये रहेगा हमारा फोर्थ बेडरूम। सेम कंसेप्ट रहेगा जो आपने ग्राउंड फ्लोर पे बेडरूम का देखा था, सेम स्पेस, काफी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे जो है अपने बेड के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे एक ह्यूज स्पेस रहेगा। देन आ जाएगा आपका LED पैनल, वो भी काफ़ी बड़ी LED स्क्रीन आप यहाँ पे जो है प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा आपको जो है ऑलमोस्ट पूरी वॉल को कवर करते हुए ये LED पैनल डिज़ाइन हुआ है। देन आपको यहाँ पे विंडो भी दी गई है, ताकि सनलाइट प्लस वेंटिलेशन आपके रूम में बनी रहे। एंड गाइस, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको यहाँ पे भी सीलिंग में जो है मिलेगा, प्लस जिसमें लाइट्स भी यूज़ हुई हुई हैं, तो काफ़ी अच्छी लुक रहेगी। अगेन आपका ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा, जिसमें आपको कैबिनेट्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देन दोनों तरफ जो है आपको यहाँ पे वार्डरोब्स मिल जाएंगी, वॉल टू वॉल आपकी वार्डरोब्स रहेंगी। अटैच्ड वॉशरूम, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है आपको वॉशरूम्स में, काफ़ी अच्छा कलर जो टाइल्स यूज हुई है वो भी काफ़ी अच्छी हैं। जितनी भी फिटिंग्स रहेंगी वो सारी ब्रांडेड फिटिंग्स है। गाइस, इसी के साथ अटैच्ड रहेगा हमारा फिफ्थ बेडरूम। सो ये हमारा रहेगा फिफ्थ बेडरूम। स्पेस आप खुद ही देख सकते हैं गाइस, कितनी अच्छी स्पेस जो है आपको इस रूम में भी मिल रही है। सो ओवरऑल जो आपके जितने भी रूम साइजेस रहेंगे, वो पूरे के पूरे विला में आपको काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ जो है यहाँ पे मिल रहे हैं। कंफर्टेबली आप जो है यहाँ पे आसानी से मूव भी कर सकते हैं। देन सेक्शन रहेगा हमारे LED का, तो अगेन काफ़ी अच्छा कलर जो है हमारे LED पैनल का डिज़ाइन किया हुआ है। काफ़ी बड़ी स्क्रीन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट कैबिनेट्स बने हुए हैं, अगर छोटा मोटा सामान हो तो वो भी आप इंटरनली स्टोर करेंगे। देन काफ़ी हैवी वर्क आपकी सीलिंग पे, अगर आप एक बार नज़र डालेंगे लाइट्स के साथ, कितनी अच्छी जो है ये लुक दे रहा है आपके घर को। काफ़ी अच्छा वुडवर्क यहाँ पे आपको मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इसी रूम में आपका सेपरेट वार्डरोब एरिया रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे आपको जो है यहाँ पे सेक्शंस मिल जाएंगे स्लाइडिंग डोर के साथ।
वॉल टू वॉल रहेगा। एंड इसके अलावा एक चीज़ और, सेपरेट आपको वार्डरोब्स भी यहाँ पे मिल जाएंगी, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे आप अपने फेवरेट क्लोथ्स जो है स्टोर कर सकते हैं इंटरनली। एंड देन हमारा अटैच्ड रहेगा वॉशरूम, सो अगेन बाथिंग एरिया सेपरेट किया गया है यहाँ पे थ्रू योर ग्लास। काफ़ी अच्छा स्पेस रहेगा इस वॉशरूम का, काफ़ी अच्छी टाइल्स यूज किए हैं यहाँ पे, सो जितनी भी फिटिंग्स रहेंगी सारी ब्रांडेड फिटिंग्स मिलेंगी आपको। एंड गाइस इसी रूम के साथ एक चीज़ और अटैच रहेगी, आपका बैक बालकनी का एक्सेस, तो एक बार हम वहाँ पे देख लेते हैं। एंड गाइस ये आपकी बैक बालकनी रहेगी आपके रूम के साथ जो अटैच रहेगी, प्रॉपरली ग्रिलिंग यहाँ पे की हुई है। बेसिक पर्पस इसका ये था कि प्रॉपर सनलाइट प्लस वेंटिलेशन जो है आपको पूरे घर में मिलती रहे। काफ़ी अच्छा स्पेस जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो गाइस ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर जिसमें आपको 3 बेडरूम प्लस फैमिली लॉज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देन सेम स्टेयरकेस जिसकी जो ग्रिलिंग रहेगी वुड प्लस जो आयरन यूज हुआ है, एंड जो फ्लोरिंग रहेगी उस पर ग्रेनाइट मार्बल कंटिन्यू करेगी हमारे सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे आपको जो है एक बेडरूम मिलने वाला है एंड एक वॉशरूम मिलेगा, तो सेम कंसेप्ट ही वहाँ पे भी यूज हुआ हुआ है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये 5 बेडरूम प्लस सर्वेंट रूम का कंसेप्ट जो है 287 स्क्वायर यार्ड इंडिपेंडेंट विला में पसंद आया होगा। काफ़ी हैवी वुड वर्क यहाँ पे यूज़ हुआ है, काफ़ी स्पेशियस जो रहेंगे इसके बेडरूम्स रहेंगे। सो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है इसके लोकेशन की या अगर आपको ये पर्सनली विजिट करना तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोज़। थैंक यू।